देखो, इफ द ऑब्स्टेकल्स और ओपनिंग्स, इफ द ऑब्स्टेकल्स और ओपनिंग्स इन द पाथ ऑफ लाइट आर हैविंग डायमेंशंस much larger than the wavelength of light, ray optics prevail. मतलब ज्यादा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, रे ऑप्टिक्स. एल्स फिनोमिनाज ऑफ वेव ऑप्टिक्स, दैट इज इंटरफेरेंस. एल्स फिनोमिनाज ऑफ वेव ऑप्टिक्स दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन आर ऑब्जर्व. Else phenomena of wave optics, that is interference and diffraction, are observed. Ray optics की main दो phenomena कौन से? Reflection and refraction. और wave actually basically ये जो proof था कि भाई light wave है या नहीं है, YDSC ये चीज थोड़ी बहुत पुरानी थी. बट क्या था कि न्यूटन यूज टू बिलीव इन कॉर्पस्कुलर थ्योरी. न्यूटन का था कि लाइट पार्टिकल लेजर शो करती है, जो कि वो भी करती है. बट और एक्चुअली क्या था, ये साइंटिफिक कम्युनिटी बहुत वो होती है कि भाई न्यूटन ऑलरेडी बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो अगर वो कुछ कह रहा है तो वो सही है. तो देन यंग्स कंडक्टर और वेव थ्योरी भी थी बट प्रूफ नहीं था. तो देन मतलब हेगन्स ने बेसिकली वेव थ्योरी का प्रूफ बताया, प्रूफ नहीं बताया, उसने स्टेटमेंट दी थी हेगन्स प्रिंसिपल करके, हम एक चीज पढ़ेंगे. यंग्स ने क्या करा कि उसने शो करा कि हमें इंटरफेरेंस मिल रहा है. क्या मतलब है इंटरफेरेंस का? वही दो वेव्स, कैसी वेव्स? कोहेरेंट सोर्सेज वाली वेव्स. कोहेरेंट वेव्स जब कहीं पहुंचती है तो हमें क्या मिलता है? मैक्सिमा मिनिमा. हमें क्या मिल रहा है? कांस्टेंट फेज डिफरेंस अगर उनके बीच में है तो हमें क्या नजर आ रहा है? अलग अलग वैल्यूज, मैक्सिमा डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव चीज मिल रही है. यानी कि इंटरफेरेंस तभी पॉसिबल है जब वो चीज क्या है? वेव है. अगर वो पार्टिकल होती तो इंटरफेरेंस, सोच के देखो, एक जगह पे मिनिमा आ रहा है, एक जगह पे मिनिमा आ रहा है और हम बोलते पार्टिकल थ्योरी है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर? अच्छा, हम जब चीजें पढ़ेंगे तो कुछ ऐसा होता है कि भाई ठीक है, ये एक स्लिट होगी इधर, यहां पर एक दीवार होगी, उस पर कहीं मैक्सिमा होगा कहीं मिनिमा होगा. अगर सिर्फ पार्टिकल थ्योरी होती तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई किसी पॉइंट पर पार्टिकल्स तो पहुंच रहे हैं लेकिन वहां पर डार्कनेस आ जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं. ऐसा तो सिर्फ वेव के कारण पॉसिबल हो पाया. अब जब वेव ऑप्टिक्स प्रूव हो गई तो उन्होंने उस पार्टिकल थ्योरी के अंदर चेंज कर दिया कि भी ऐसा क्यों हो रहा है. तो वो चीज हम बेसिकली पार्टिकल्स जब हम ये पढ़ेंगे, क्वांटम नेचर ऑफ बेसिकली फोटोन नेचर जब हम बात करेंगे ड्यूअल रेडिएशन के अंदर, तब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में कि क्यों उन्होंने पार्टिकल, तुमने क्या बोला, पार्टिकल नेचर के अंदर एक चेंज कर दिया. पार्टिकल नेचर को उन्होंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी वेव एक. तो वहां से फिर ये चीज निकल कर आई कि इसका मतलब जहां पर डार्क बन रहा है या जहां मिनिमा बन रहा है वहां पर वो पार्टिकल्स पहुंचते ही. वरना अगर कहीं पर लाइट, अगर पार्टिकल की तरह होती है और वहां पर लाइट पहुंच रही है, पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, तो पार्टिकल्स होने की उसको कैंसिल कर देते. बट क्योंकि वो वेव्स हैं इसलिए वो क्या कर पा रही है, दूसरे को कैंसिल कर पा रही है, क्योंकि वो या तो इन फेस पहुंच रही है, वो क्या पहुंच रही है, आउट ऑफ फेस पहुंच रही है. ठीक है, चीज तो इसके बारे में बातें करेंगे हम. बट अगेन चीजें इसलिए हमें क्या होता है, नॉर्मल लाइफ के अंदर रे ऑप्टिक्स ज्यादा नजर आती है. रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्रेक्शन देखते हैं, वेव ऑप्टिक्स से जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, ये हमें बहुत रेयरली नजर आते हैं. इनफैक्ट इसमें हमें पढ़ेंगे चीज कि अगर मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर में एक बहुत माइन्यूट छेद है, गेटिंग इट,
तो अगर हम रे ऑप्टिक्स की बात करें, इस छेद के यहां पर मैं एक लाइट का सोर्स रख दूं, तो मुझे सामने क्या दिखना चाहिए? एक ब्राइट लाइट नजर आता नहीं चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। हमें बकायदा एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, फिर एक ब्लैक रिंग नजर आएगी, फिर एक ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ब्राइट रिंग नजर आएगी, फिर एक। और ये चीज जब मैं राव आई में था तो एक्चुअली क्या, वहां पर हॉस्टल्स भी वही है जहां क्लासेस है, और ऑब्वियसली आते हैं हॉस्टल्स क्योंकि वहां रूम्स काफी सारे हैं तो डार्कनेस बहुत ज्यादा है, हॉस्टल में नेचुरल लाइट नहीं आती, बहुत कम रूम्स में आती है। तो दो तीन बच्चों ने क्लास में वो रूम पे एक्सप्लेन करके भी देखा था, फिर मैं भी उनके साथ चला गया। तो हमने यही करा था एक बार, एक्चुअली क्या होता है इसमें लिमिटेशन बहुत सारी है, एक तो छेद बहुत छोटा हो, दूसरा जो लाइट का सोर्स है वो पॉइंट सोर्स होना चाहिए, तो हमें पॉइंट सोर्स मिल नहीं पाता। फिर हमने मोबाइल वाला इस्तेमाल करा, कि मोबाइल का जो फ्लैश लाइट है वो बेसिकली पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर सकती है, टॉर्च नहीं करेगी कभी भी। तो उसको हमने बाकी में करके देखा, तो वो एक्चुअली जो डायग्राम हेल्ड रेसने के अंदर दे रखा है या एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है वो चीज मिली थी, कि एक ब्राइट स्पॉट आ रहा है उसके बाद एक डार्क रिंग आ रही है। कोशिश करूंगा मैं अरेंज कर सकूं, मैंने ऑलरेडी एक चीज ढूंढ तो रखी है पड़ी हुई मेरे पास, तो लाके दिखाऊंगा, तो तुम्हें एक फील आएगी कि हाँ भी डिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। बट अगेन उसके लिए बहुत सारी कंडीशंस थी जो हमें फॉलो करनी पड़ी, क्योंकि इस छेद के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, बहुत छोटे। तो इमेजिन करो एक पेपर है, पेपर में बड़ा सा गोला कर दो, एक इधर एक लाइट का सोर्स रख दो, सामने तुम्हें क्या नजर आने वाला है? पूरी लाइट ही लाइट नजर आने वाली, ऐसा तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। तुम्हें लाइट दिखेगी, हो सकता है इस कागज की शैडो नजर आ जाए फिर लाइट नजर आ जाए, ऐसा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आने वाला। बट जब उसको बहुत छोटा करा गया, तो यानी कि हम नॉर्मल लाइफ में रे ऑप्टिक्स ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो डायमेंशन है वो सारे कैसे हैं, बड़े बड़े डायमेंशन। इतने छोटे डायमेंशन स्पेशली हम प्रैक्टिकल जब करते हैं तो ही हम उसको डेवलप करते हैं, ठीक है चीज। अब मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम्हें, जैसे साउंड, ये दरवाजे बंद कर दें हम, यहाँ पर ब्लैक पर्दे लगा दें सारे, और यहाँ पर हम दरवाजे को बंद कर दें, अंदर गाने चल रहे हैं तो बाहर आवाज प्रॉपर आ जाती है, क्योंकि वो जो ओपनिंग्स हैं उस दीवार, दरवाजे और उस दीवार के बीच की, वो साउंड की वेवलेंथ कंपेरेबल है। तो साउंड की वेव्स क्या कर जाती है, डिफ्रेक्शन शो करती है, लेकिन लाइट की वेव्स डिफ्रेक्शन शो नहीं कर पाती। क्या होता है डिफ्रेक्शन, हम पढ़ेंगे उसको डिटेल के अंदर, पर वो लाइट की जो वेव्स हैं वो बाहर जाके फैल नहीं रही है, साउंड की वेव बाहर जाकर के फैल रही है। तो फैल रही है तो हमें आवाज आ रही है, लेकिन लाइट की वेव्स हमें बाहर फैलती हुई नजर नहीं आती, इसलिए हम बाहर बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है चीज। चलो जरा समझना शुरू करते हैं कि आखिर वेव ऑप्टिक्स में होता क्या है। देखो पहली बात तो हम ये देखते हैं कि भाई लाइट जो है क्या है, एक्चुअली तो लाइट क्या है, वेव ही है, ठीक है। वो तो एक बाद में आया डुअल नेचर वाली चीज की भी, मतलब थोड़ी पहले से थी बट उसके बाद में उसको फिर इंप्लीमेंट करा गया। कुल मिला के पता है चीज क्या है, जब लाइट ट्रेवल करती है तो वेव है। इनफैक्ट हम सारी वेव्स के लिए ही पढ़ने वाले हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वेव है, लेकिन जब वो निकलती है और जब वो एब्जॉर्ब होती है तो पार्टिकल नेचर शो करती है। ये हम जब वेव, अगर हम पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो फोटोन के बारे में आइंस्टाइन ने ही बोला कि जब एक, भाई अल्टीमेटली वेव कहां से निकली, किसी एटम में से निकली, जब निकली तो पार्टिकल नेचर था, जब एब्जॉर्ब तो पार्टिकल, बट जो ट्रेवलिंग पार्ट है वो कैसा होता है, वेव नेचर की तरह। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, थोड़ा सा बता कर लेते हैं ईएम वेव में क्या क्या आता है हमारे पास। हाँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या, एक्चुअली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास। ये देखो अगर तो हम ये चीज लेते हुए चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर, कि भाई एक डायरेक्शन में तो ई वाई मान लिया हमने, अच्छा ये एक्स डायरेक्शन में क्या मान लिया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और इस तरफ हम क्या मान लेते हैं बी जेड, और ये वेव जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाती है। ये इलेक्ट्रिक वाला पार्ट वेरी हो रहा है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट वेरी हो रहा है। तो ये वेव कुछ इस तरह से चलती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। तो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं और ये जहां कहां की तरफ रही है, इस तरह से ये ऐसे ऑसिलेट करता हुआ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट करता हुआ जा रहा है। डायरेक्शन प्रोपोगेशन आता है ना, एक्चुअली पता है क्या आता है, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन, चेक कर लो जरा, ई क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो इस जेड डायरेक्शन में तो हमने मान लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, और वाई में हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन प्रोपोगेशन आता है एक्चुअली ई क्रॉस बी से। अच्छा, अब एक चीज और होती है, जब हम इस वेव की इक्वेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड बी जेड इक्वल्स टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या इस वेव का एम्पलीट्यूड दूर जाता है तो कम हो रहा है क्या,
इस वेव का एम्पलीट्यूड, तो कौन सी वेव है ये? अभी बता चुका हूं मैंने साउंड वेव में सारी चीजें लिखवाई है। साउंड वेव में दोनों वर्ड लिखवाए मैंने, स्फेरिकल भी लिखवाई है, सिलेंड्रिकल भी लिखवाई है। हम कौन सी वेव पढ़ते हैं? ये प्लेनर, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। जैसे ये इक्वेशन आती है, E नॉट साइन, स्फेरिकल में याद करो नीचे क्या कहता, E नॉट बाई आर, सिलेंड्रिकल में क्या था, E नॉट बाई रूट आर। दोबारा बता रहे हैं क्या? अभी तो लगाया साउंड वेव के अंदर। तो हम जब ये इक्वेशन लिखते हैं, हम कौन सी वेव मानते हुए चल रहे हैं? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी कि सोर्स कहां पर? एक तरह से इंफिनिटी पर। ध्यान रखना ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए आती है? जब वेव कैसी होती है? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इट्स अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अदरवाइज अगर एक पॉइंट से निकल रही होती तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा होता है? चेंज हो रहा होता है। वो क्या हो रहा होता है? वेरी हो रहा होता है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज और होती है, हम आगे सारी चीजें पर देखेंगे। E नोट बाय B नोट का रेशियो कितना होता है? व्हाट इज E नोट बाय B नोट का रेशियो? नहीं पता। C 1 बाय रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ठीक है। C की वैल्यू ये भी आती है हमारे पास, 1 बाय रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो एक बात बताओ, इस E नोट के B नोट के मुकाबले E नोट की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा। इसीलिए पूरी एच सी वर्मा या इनफेक्ट कोई भी किताब उठाओगे, अल्टीमेटली लाइट को, लाइट की इक्वेशन सिर्फ कौन से ले ली जाती है? ई वाई वाली। तो दिस इंप्लाइज दैट ई नॉट इज मच मच ग्रेटर देन बी नॉट। तो हम जब लाइट की इक्वेशन लिखते हैं तो लाइट इक्वेशन कैन बी रिटन ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या बन जाती है? लाइट इक्वेशन इज ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अल्टीमेटली हम जब भी लाइट की बात कर रहे हैं, हम उसको क्या मानते हुए चल रहे हैं? एक ये वाली वेव। अब जो कुछ तुमने y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के बारे में पढ़ा है, वो सब कुछ यहां पर क्या है? एप्लीकेबल। बस खत्म, यही तो वेव है और क्या चीज है। बस जहां ओमेगा क्या होगी? उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी, बाकी सब ठीक है। वो सब तो स्पीड ऑफ द लाइट अलग अलग मीडियम में क्या होती है? अलग अलग हो जाती है, एंड सो ऑन। अब लाइट को हम क्या पढ़ते हुए चलेंगे? ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये लाइट की इक्वेशन रहेगी हमारे पास। चलो, फेज डिफरेंस कितना आया हमारे पास? फाइव इक्वल्स टू पाई बाय टू। याद करो आई रिजल्टेंट की इक्वेशन क्या होती थी? रूट आई वन प्लस आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। आई रिजल्टेंट क्या होता है हमारे पास? आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ध्यान है सारी चीजें? ले रहे हैं? तो बेटी के हम तो इंटरफेरेंस और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बातें आईडीएसी वगैरह सब देखेंगे, बट जितना हमने अब तक करा था, पहली चीज तो यह है कि भाई हमने यहां पर वही इक्वेशन क्यों लिख दी? क्योंकि अल्टीमेटली लाइट की भी इक्वेशन क्या है? वही चीज है। बस यहां हम वहां पर क्या ऑसिलेट करते थे? पार्टिकल्स, साउंड वेव्स थी या वेव्स थी, उसे पार्टिकल्स। यहां पर कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं, क्योंकि मीडियम वाली चीज ऑसिलेट नहीं कर रही। ये हम पढ़ते हैं ये वेव्स के बारे में कि इन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ऑसिलेट भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है यहां पर। सेम लॉजिक, इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल आ रही है यहां पर? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। या एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या है? ई नॉट। अच्छा, तो ये बेसिकली क्या बोलूंगा मैं, यानी कि आई वन जो है उसको तो मैंने आई नॉट मान लिया। अच्छा, यहां पर जो इंटेंसिटी बनेगी मेरे पास आई टू,
बिल्कुल आई टू कितनी बनेगी? 4i0 बनेगी. क्यों? क्योंकि एन नोड क्या है? डबल. तो दो चीजें, या तो आई रिजल्टेंट को वैसे निकाल दो, आई रिजल्टेंट तुम देखोगे तो एम्पलीट्यूड से निकाल दो, ए और टू ए कितने एंगल पर? पाई बाय टू पर. या तो उसके हिसाब से निकाल दो, या फिर सीधे सीधे इंटेंसिटी क्या आ गई यहाँ पे, कॉस फाइव को डाल दो, कॉस फाइव कितना? पाई बाय टू. तो आई रिजल्टेंट कितना आ गया? 5i0. एक तो तुम्हें ये टॉपिक शुरू होती है ये वाले सवाल मिलने वाले हैं, दूसरे सवाल वो वाले मिलेंगे. आई मैक्स अपॉन आई मेन कर लोगे, रूट आई वन प्लस रूट आई टू अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू वाली चीज, तो दिक्कत नहीं है ना. मैंने बोला ही था कि वो सेम सवाल हमें हर जगह पर मिलने वाले हैं, ठीक है चीज. ये देखिए हमने क्योंकि इंटरफेंस अभी भी इक्वेशन को पढ़ा है इसलिए हम यहाँ तक आ गए, अदरवाइज वैसे इंटरफेंस को भी तो डेप्थ में पढ़ेंगे हम कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. चलो क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो जरा वेव फ्रंट, नेक्स्ट लिखो जरा वेव फ्रंट. A wavefront is defined as locus of all adjacent points. A wavefront is defined as locus of all adjacent points vibrating in the same phase. Vibrating in the same phase or a surface of constant phase. Wavefront मतलब क्या है? उन सारे पार्टिकल्स का लोकस होकर क्या कर रहे हैं? सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं. ये हमने लास्ट टाइम भी ये वाली चीज देखी थी, कुछ ऐसा ही है आने की. एक और साथ में लिख लो, ये डेफिनेशन में लिख लो, लिखो रे 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 वेवफ्रंट. दोनों को साथ में पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा रहेगा. रे जो रेस तुम कहां पढ़ते हो? रे ऑप्टिक्स में. पूरी देखो जरा, रेस आर डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइंस, रेस आर डिफाइंड एज इमेजिनरी लाइंस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट. Rays are defined as imaginary lines perpendicular to wave front along which the energy of the wave travels, along which the energy of the wave travels. Ultimately chahe electromagnetic wave ho, chahe koi bhi waves hum jo wahan tak piche pad rahe the, साउंड वेव्स हो या कोई भी वेव्स हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हम बोलते हैं, कैरी क्या करते हैं साथ एनर्जी. तो कह रहा है वेव फ्रंट्स तो क्या है? सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज. और रेस क्या चीज है? इमेजिनरी लाइंस परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स. और क्या शो करती है? डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज बीइंग ट्रेवलिंग. यानी कि जो हम रे ऑप्टिक्स में रेस बनाते हैं, एक्चुअली तो रे क्या अपने आप में सिर्फ एक डायरेक्शन शो कर रही है, बाकी वो चीज क्या है? इमेजिनरी. ट्रेवल तो क्या कर रहे हैं? वेव फ्रंट्स ट्रेवल पार्टिकल. हाँ, ट्रेवल क्या कर रहे हैं? वेव फ्रंट्स ट्रेवल कर रहे हैं. और वो रेस क्या शो कर रही है? उनके ट्रेवलिंग का डायरेक्शन शो कर रही है. चलो देखो जरा. तो अगर मैं वेव फ्रंट्स की बात करूं, मैं सबसे पहले लेता हूं मान लो पॉइंट सोर्स. मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया, ये हमने देख भी चुके हैं चीज, एक बार जस्ट वापस देख लेते. पॉइंट सोर्स है मेरे पास, इससे एक वेव फ्रंट निकला तो मुझे पता है कैसा होगा भाई, स्फेरिकल होगा. लॉजिक क्लियर है सारे? हमने देखा था जो किसी टी टाइम बाद निकल रहा है, एक और वेव फ्रंट जो कि इसके कैपिटल टी टाइम के बाद निकला. इन दोनों में मैंने बोला कि भी जो दूरी है वो है वी नॉट इंटू टी. लाइट के बारे में बात करें तो दूरी कितनी हो जाएगी? सी इंटू टी. स्पीड कितनी आती लाइट की? सी इंटू टी स्पीड आ जाती है हमारे पास लाइट की. ये तो पढ़ते हैं हम, ठीक है ना. तो ये सी टी हो गए. ये अब मैं तुमसे बोलूं भाई, ये दोनों पॉइंट्स ए और बी, ये दोनों किसमें? सेम फेज में. ये एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया डी. क्या ए बी डी भी सेम फेज में? हाँ हाँ, क्योंकि दोनों किसमें कितने डिफरेंस है? लैम्डा. कैपिटल टी वाला टी, सी टी बराबर कितना हो गया? लैम्डा हो गया, ठीक है ना भाई.
और मान लो कि इन दोनों के बीच में कोई और होता, मान लो एक और होता जिसको कि निकले हुए, जो कि इन दोनों के मिडिल में होता, कहीं यहां पर कोई पॉइंट ले लेता मैं ई पॉइंट, तो ये क्या होता आउट ऑफ फेज, एग्जैक्टली कहां आ रहा है मिडिल में आ रही है, बट पॉइंट ये क्या इन सब के ऊपर फेज सेम है क्या? बिल्कुल, क्योंकि क्या है ये एक वेव फ्रंट, और एक वेव फ्रंट का मतलब ही क्या होता है सेम फेज वाले। अच्छा क्या जरूरी है कि इस वेव फ्रंट और इस वेव फ्रंट के बीच का डिफरेंस जो है, मतलब कोई भी दो वेव फ्रंट जो हो उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा लैम्डा ही हो, मतलब फेज डिफरेंस हमेशा 2π ही हो, क्या जरूरी है दो वेव फ्रंट्स नहीं, 0 से लेकर 2π के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कितनी देर पहले बना था खत्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लें कि इसको निकले हुए टाइम हो चुका c into 2t, ठीक है, और इसको निकले हुए मैंने टाइम मान लिया c into 3t/2। तो वो a b और e जो हैं, b और e किस में हो जाएंगे आउट ऑफ फेज हो जाएंगे। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक और था, इसको निकले हुए टाइम हो गया होता कुछ 3t/4 टाइम हुआ होता, और इस वाले को मैंने मान लिया कि इसको टी टाइम हो गया, तो ये बन गया c into t। मैं बोलूं एक और इसको निकले हुए t/4 टाइम हुआ है, तो t/4 वाला कहां होता, यहां कहीं होता, चलो बना लेते हैं एक और, इसको निकले हुए मैं कहता हूं अभी t/4 ही टाइम हुआ, तो ये डिफरेंस कितना आता मेरे पास, ये आता मेरे पास c into 3t/4। तो c into 3t/4 का मतलब क्या बना, c into 3t/4 का मतलब क्या हो गया 3λ/4। तो ये तो क्या है उनके बीच का पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होगा इनके बीच का, लैम्डा कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होता है 2π, इनके बीच कितना आ गया लैम्डा की जगह 2π, तो कितना आ गया 3π/2। बिल्कुल, कितना फेज डिफरेंस कितना आ गया 3π/2। ये सब हम देख चुके हैं, या तो हम टाइम डिफरेंस से बात कर लें, या तो मैं ये बोल दूं कि भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 3t/4 का टाइम डिफरेंस, तो 3t/4 का टाइम डिफरेंस का मतलब 3π/2 का फेज डिफरेंस, या मैं बोल दूं 3t/4 के कारण इनके बीच का पार्ट डिफरेंस कितना 3λ/4, वो किसमें कन्वर्ट होता है फेज डिफरेंस कितना 3π/2, ऐसे लिखते हैं डेल्टा, इधर क्या लिखते हैं हम 5। हाँ बोल, कुछ डाउट है, ये t/4 लिया है मैंने, ये t/4 है, ये वाला t है, तो t-c/4, ठीक है ना, यहां जगह कम थी इसलिए मैंने उसके बारे में ही लिखा एक्चुअली। तो ये वाले पॉइंट अगर मैं लू, मान लो इस पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया f पॉइंट ले लिया, तो ये किसके बीच का डिफरेंस है फेज डिफरेंस बिटवीन a एंड f, बिटवीन a एंड f, हटा दूं ये सब, तो पता है एक्चुअली क्या होता है, मान लो एक पॉइंट है और वहां पर जो वेव फ्रंट पहुंच रहे हैं अगर वो सेम फेज वाले हैं तो क्या मिल जाएगा कंस्ट्रक्टिव, और अगर वो कौन से वाले हैं किसी और फेज वाले, तो उसके अवसर में वहां पर क्या मिल जाएगा उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है जी। अच्छा ये जो चीज है, ये तो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स अगर है तो तुम लाइट की इक्वेशन क्या लिखोगे, लाइट की इक्वेशन क्या लिखोगे, ई आर विल बी इक्वल टू व्हाट, ई नॉट बाई आर साइन के आर माइनस ओमेगा, ठीक, क्योंकि एक ऐसा सोर्स है पॉइंट सोर्स। अच्छा इस पॉइंट सोर्स के लिए रेस कैसे निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड, इस पॉइंट सोर्स से रेस कैसे बाहर निकल रही है, इस तरह से रेडियली आउटवर्ड, रेस क्या है हमेशा परपेंडिकुलर टू, यही तो हो रहा है उस पॉइंट सोर्स से, क्या हो रही है वो एनर्जी एक स्फेरिकल पोर्शन में हर बार क्या होती आ रही है फैलती जा रही है, ये चीजें। अच्छा ऐसी अगर लाइन छोड़ दो तो क्या कैसे वेव फ्रंट निकल जाते हैं, सिलेंड्रिकल, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई बहुत वो नहीं है, एक बार हम देख लिया वापस देख लेते हैं बस, सिलेंड्रिकल सोर्स सॉरी लाइन सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसे बनने वाले हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और इसीलिए जब हम इसकी बात करेंगे सोर्स एट व्हाट इंफिनिटी, सोर्स एट इंफिनिटी, अब वेव फ्रंट कैसे दिखेंगे हमें, प्लेनर वेव फ्रंट, इसीलिए उसका नाम क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ये क्या है स्फेरिकल प्रोग्रेस, इसमें स्फेरिकल चीज है क्या, वेव फ्रंट स्फेरिकल है, ये सिलेंड्रिकल वेव है, क्या है सिलेंड्रिकल चीज, क्या है वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल है, तो ये जब हम प्लेनर प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो क्या चीज है जो प्लेन है उसके
डिफरेंस, क्या हर दो के बीच का डिफरेंस लैम्डा होना जरूरी है क्या? अच्छा लैम्डा और टू लैम्डा हो तो भी वो किसमें आपस में दोनों सेम फेज एंड सो ऑन। और रेस कैसे बन जाएंगी यहां पर, ये देख लो कौन पैरेलल रेस कैसे आती है, यूं ही तो आती है। वेव फ्रंट्स के क्या हैं, ये परपेंडिकुलर है। ये हम लिख देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, सिलेंड्रिकल, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है, प्लेनर वेव फ्रंट्स। वाली चीज तो क्या बन गई है, वो वेव फ्रंट बन गई है, और वो जो रेस है वो क्या बन गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब तक इसमें कोई वो निकल करके बाहर आया नहीं कंक्लूजन, तो शायद तुम्हारे लिए एक ऑप्शन खुला हुआ है रिसर्च वाली चीज के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोनो भी रीजन तो हो गई यार इसके पीछे, चलो बढ़े आगे। तो ये तो हमारे पास हो गया भाई सिंपल वेव फ्रंट्स वाली चीज। अच्छा ये चीज समझ में आ रही क्या हो रहा है, ये भी एक वेव फ्रंट निकला उसको पैदा हुआ टी वन टाइम हुआ तो उसका रेडियस कितना हो गया सी टी वन, एक को पैदा हुआ कितना टाइम हो गया टी टू टाइम तो उसका रेडियस कितना हो गया सी टी टू एंड सो ऑन। सी क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी है सी, कहां पर एयर या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है सी मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये चीज, अब लिखो जरा हेगन्स प्रिंसिपल। अच्छा नहीं अभी मत लिखो, मैं लिखो और इस बारे में कुछ बताओ, बता दूं ये सब कुछ ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, जो भी चीजें तुमने अब तक रे ऑप्टिक्स में पढ़ी है ना उन सबको हम वेव ऑप्टिक्स से डील कर सकते हैं इस तरह से। जैसे कि हमें बात करें प्रिज्म है, मान लो ये हम ऐसे पढ़ते हैं प्रिज्म है, ये रेस जा रही है ऐसे, कैसे बाहर आती है इस तरह से, ये होता है वास्तव में। बताए क्या हो रहा है, वेव फ्रंट जा रहे हैं और बाहर कैसे आ रहे हैं, ये चीज हो रही है एक्चुअली। वो वेव फ्रंट तो क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ही मान लो कि हमारे पास ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइट रेस यूं आती है और यहां आगे कर जाती है मीट कर जाती है, क्यों हो रहा है वेव फ्रंट्स आ कैसे रहे हैं इस तरह से, प्लेनर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और अब वो क्या कर रहे हैं कन्वर्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का आईआईटी के अंदर, वेव फ्रंट्स का डायग्राम कैसा बनेगा। ऐसे ही मान लो मेरे पास एक ये कॉनकेव मिरर के लिए बन गया, कॉनवेक्स लेंस है, ये रेज आई इस तरह से मीट कर रही हैं, तो वेव फ्रंट्स आ कैसे रहे हैं प्लेनर और फिर क्या बन गए इस तरह से कन्वर्जिंग। अगर मेरे पास कैसा लेंस होता है एक डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा ये लेंस कॉन्वेक्स है कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग तो किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम के ऊपर रेज है, और कॉन्वेक्स और कॉनकेव उनकी शेप पर आधार है। यहां पर क्या हो रहा है, ये रेज ऐसे आई और यो चली गई, क्या हो रहा है वेव फ्रंट्स ऐसे आ रहे हैं और अब क्या कर रहे हैं ये इस तरह से फैलते जा रहे हैं, यहां कन्वर्ज हो रहे थे यहां पर क्या दिख रहा है हमें फैलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक्चुअली जो चीजें हमने अब तक रे ऑप्टिक्स में पढ़ी है ना वो सारी चीजें किसकी फॉर्म में पढ़ सकते हैं, वेव फ्रंट्स की फॉर्म। हालांकि वो पढ़ना और अभी तो मैं बताऊंगा जब प्रूफ पढ़ोगे कितना आसान नहीं है उसको वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना हर बार। मतलब ये तो मैं बना सकता हूं रेज है उसके क्या करना है मुझे, वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे हमेशा उसके परपेंडिकुलर तो बनेंगे, इसका क्या हुआ पुलकित डाउट है कुछ पक्का, चलिए कल बात करेंगे क्योंकि टाइम तो हो गया शायद।